अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुस्तफ़ा अली ज़ंजानी और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अप्रैल के महीने की जो दूसरी ड्रॉ यानी कि 15 अप्रैल 2019 को होने वाली पीर के दिन लाहौर में 750 रुपये की कुरा अंदाजी, उसके नंबर्स के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उसके नंबर्स बताऊँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ नंबर्स को ख़रीद लेना और अपने पास रख लेना और इस चीज़ को यकीन कामिल समझ लेना कि आपने प्राइस बॉन्ड रख लिया है और अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करे तो आपका रिश्ता अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप अपने रिश्ते को अल्लाह के साथ मजबूत कैसे बना सकते हैं। उसको मजबूत बनाने का तरीका ये है कि एक तो आपका तवक्कल अल्लाह पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपको सोमो सलात की पाबंदी जो है वो हमेशा से करते रहना चाहिए। इसके अलावा जब आप नमाज फजर अदा करते हैं तो नमाज फजर के बाद आपने कुरान पाक की तिलावत माँ उसका तर्जमा ये आपने ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कुरान हमारे लिए एक हदायत का सर चश्मा है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान अरेबिक नहीं है और आप लोगों को अरबी नहीं आती ना आप समझ सकते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझना कि अल्लाह जब आप लोगों से मुखातिब है वो आपको कहना क्या चाह रहा है, वो आपको समझाना क्या चाह रहा है। तो इसके लिए आपको वो लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला अगर किसी आयत में कोई चीज़ आपको बयान कर रहा है तो उसका मफहूम क्या है। आप उसका तर्जमा पढ़िए और उसके मुताबिक अगर आप ज़रूरत समझें तो उसके मफहूम को और उसकी तशरीह को ज़रूर सामने रखें, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज़ाना एक आयत तो एटलीस्ट आप ज़रूर पढ़ें। और एक वक्त आएगा कि कतरा कतरा करते हुए आप समुंदर जो है इस कूजे में बंद कर लेंगे। इसके अलावा जब आप ये कर चुकें तो उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ भेजना जो है, क्योंकि खुदा खुद और स्पेशली कुल अंबिया और कुल कायनात में जितने भी फरिश्ते हैं और जितने भी अंबिया हैं तमाम जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेज रहे हैं। तो जब आप उनके उम्मती हैं तो फिर आपको अपने दिन का आगाज़ उनके ऊपर दरूद भेज के करना चाहिए। और इसके अलावा आपकी कोई भी मुश्किल हो तो आपको मुश्किल कुशा मौला अली जो हैं उनके वसीले से अल्लाह ताला की ज़ात से गैब के ख़जाने के लिए अपने लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए आपको अपनी गैब से मदद फरमाने के लिए इस्तदा करनी चाहिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं नंबर्स के हवाले से कि इस ड्रॉ के कौन से नंबर्स हैं जो कि आप ख़रीद सकते हैं, और वो हैं 1369। 1369 इनको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप कोई प्राइज बॉन्ड ख़रीदना चाहें तो आप 619 से शुरू होता हुआ कोई प्राइज बॉन्ड ले सकते हैं, या फिर आप 396 से शुरू होता हुआ कोई प्राइज बॉन्ड ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा मंथ ऑफ अप्रैल की जो कुरा अंदाजी के टाइमिंग्स हैं उसके लिए हम आपको बता दें चलें कि अगर आप 1 अप्रैल को जाना चाहें कुरा अंदाजी के लिए कोई भी प्राइज बॉन्ड ख़रीदने के लिए तो आप जा सकते हैं सुबह 10:15 से लेकर 11:15 तक। इसके अलावा आप जा सकते हैं 10 अप्रैल को किसी भी बैंक में स्टेट बैंक में जाके प्राइस बॉन्ड की ख़रीदारी के लिए 12:00 से लेके 1:00 के दरमियान। इसके अलावा 21 अप्रैल को 2:15 से लेके आप जा सकते हैं 2:45 तक का जो एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम है इसमें जाके आप प्राइस बॉन्ड्स की ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा 23 अप्रैल का जो टाइम है 23 अप्रैल को आप 6:00 से लेके 6:50 का जो टाइम है इस टाइम में अगर प्राइस बॉन्ड की ख़रीद कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह एहसन साबित होगा। इस महीने का जो आखिरी टाइम है जो कि 29 अप्रैल को आ रहा है और ये वो टाइम है जिसमें बुर्जे पाइसिस, स्कॉर्पियंस और इसके अलावा कैंसेरियंस ये तीन जोडिक साइन जो हैं ये अगर 29 अप्रैल को सुबह 11:10 से लेके 12:00 तक के टाइम में जाके प्राइस बॉन्ड ख़रीद के रखते हैं अपने पास दुआ करके तो यकीनी तौर के पर अल्लाह ताला जो है आपकी गैब से मदद ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपकी खिदमत में नेक्स्ट मंथ की जो कुरा अंदाजी की ड्रॉस हैं वो लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।